नवरात्र का पर्व चल रहा है और ऐसे में कुछ राशि के जातकों पर माता रानी की कृपा बरसती नजर आ रही है। वहीं कुछ जातकों को इस सप्ताह थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। तो आइए जानते हैं कि समस्त राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह कैसा बीतने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के जातकों को इस समय जीवन में कुछ अच्छे और कुछ अचानक होने वाले घटनाक्रम प्रभावित कर सकते हैं। चंद्रमा का प्रभाव आपके दाम्पत्य जीवन में सहयोग और प्रशंसा दिलाएगा, तो वहीं जिम्मेदारियों में भी वृद्धि हो सकती है। इस समय कामकाज की अधिकता को आप सही से मैनेज कर सकते हैं। ये सप्ताह उन जातकों के जीवन में विशेष शुभ परिणाम लेकर आ रहा है जो किसी परीक्षा या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। इस दौरान सप्ताह के दूसरे भाग में हेल्थ को लेकर कुछ परेशानी हो सकती है। दूसरों की देखभाल करने में आप सफल रहेंगे। चीजों को बेहतर बनाने का निर्णय भी आप ले सकते हैं। यदि आपके अतीत में धन निवेश किया गया था तो इस सप्ताह वो लाभ देता नजर आ रहा है। आपको इस सप्ताह उपाय अपनाना चाहिए कि महादेव की पूजा आपको नियमित रूप से करनी चाहिए। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। सप्ताह के आरंभ में आपकी परेशानियों का मुख्य कारण दूसरों का दखल देना हो सकता है। इस समय कानूनी मामलों में समय स्थिति काफी सोच समझकर आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। इस समय आपको आर्थिक नुकसान भी हो सकता है, इसलिए आपके लिए बेहतर होगा कि कोई भी निर्णय बहुत ही सोच समझ कर लें और बजट की ओर भी आपकी निगाहें होनी चाहिए। इस समय कामकाज में जल्दबाजी ना करें। यदि आप लंबे समय से किसी करीबी रिश्तेदार से मिलने की योजना बना रहे थे तो इस समय उसके पूरे होने की भी संभावना नजर आ रही है। आपके मित्र या रिश्तेदारों के घर जाने का अवसर भी आपको प्राप्त हो सकता है और ये यात्रा के लिए भी शुभ समय है। आपको उपाय अपनाने चाहिए कि गायत्री मंत्र का 11 बार नियमित रूप से आपको जाप करना चाहिए। अब बढ़ते हैं मिथुन राशि की ओर। मिथुन राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह अनुकूल परिणाम लाकर देगा। इस सप्ताह नए मित्रों का आपको साथ मिलेगा। ये भी संभव है कि मेहमान अचानक आपके घर पर आ सकते हैं। इससे आपका कुछ समय आपस में बातचीत और कुछ समय अच्छे पलों पर बीत सकता है। मित्रों के साथ ट्रैवलिंग पर जाने की योजना आप कर सकते हैं। ये समय आपके अच्छे और स्वादिष्ट भोजन का आनंद भी दिला सकता है। इस सप्ताह शिक्षा में पिछली सभी परेशानियां आपकी दूर होंगी, जिससे आप अपने शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। सप्ताह के अंतिम पड़ाव में स्थिति कुछ मुश्किलें लेकर आ सकती है और सेहत को लेकर आपको थोड़ा सा सजग रहने की जरूरत है। आपको उपाय के तौर पर हरी घास गाय को खिलाना चाहिए। अब बढ़ते हैं कर्क राशि की ओर। कर्क राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह परिवार और कामकाज में संतुलन बनाए रखने की जरूरत है। आपको इसका अच्छा परिणाम भी प्राप्त हो सकता है। इस समय आपका मन स्वाभाविक रूप से अपनी चीजों को बेहतर तरीके से करने में लगेगा। इसे देखकर आपके परिवार के लोग भी आप पर गर्व महसूस करेंगे। सप्ताह के दूसरे भाग में उन लोगों से दूरी बनाकर रखें जो आपका अधिकतर समय फजूल की बातों में बर्बाद कर रहे हैं। इस सप्ताह के दूसरे भाग में कोई मित्र आपके लिए काफी करीबी बन सकता है। रचनात्मक रूप से आप कुछ मनोरंजन से जुड़ी चीजों में शामिल हो सकते हैं। आपको उपाय के तौर पर विष्णु मंदिर में बांसुरी का दान करना है। अब बढ़ते हैं सिंह राशि की ओर। सिंह साप्ताहिक राशिफल में आपको इस समय अपनी भागदौड़ को तेज करने की जरूरत होगी। इस सप्ताह आपके रुके हुए कामों में तेजी आएगी। अपनी मेहनत से आप कई बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। इस सप्ताह उचित खान पान के फलस्वरूप आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। ये सप्ताह आपके आर्थिक पक्ष को भी मजबूत करेगा, क्योंकि इस समय आप सभी प्रकार के खर्चों पर नियंत्रण कर सकते हैं। इसका सारा श्रेय खुद को देने की बजाय अपने करीबियों और परिवार के सदस्यों को आपको देना होगा। इस सप्ताह अपनी सुख सुविधाओं से ज्यादा अपने परिवार के सदस्यों की जरूरतों पर आपको ध्यान देना चाहिए। आपको उपाय के तौर पर दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। अब बढ़ते हैं कन्या राशि की ओर। कन्या राशि के लिए ये सप्ताह आर्थिक मामलों के साथ साथ घरेलू जीवन में चल रहे विवाद प्रभावित कर सकता है। इस समय आपको परिवार में चल रही स्थितियों के बारे में पता चल सकता है जिनसे आप अब तक अनजान थे। इस सप्ताह लाभ के मौके भी प्राप्त होंगे। बैंक इत्यादि में कुछ धन का निवेश करने का
विचार कर सकते हैं। कारोबार में कुछ नया शुरू करते हुए आप आने वाले समय के लिए एक मजबूत आधार बना सकते हैं। ये सप्ताह अनुकूल रणनीति बनाने के लिए सही है। इसके लिए आप अपने वरिष्ठ अधिकारियों और विशेषज्ञों की मदद ले सकते हैं। ये सप्ताह छोटे बच्चों की शिक्षा को लेकर उनके माता पिता काफी मेहनत कर सकते हैं। उपाय के तौर पर आपको हरी मूंग की दाल किसी मंदिर में दान करनी है। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह ग्रहों का प्रभाव कुछ अच्छे मौके दे सकता है। ये समय कुछ नई चीजों को करने का जोश आप में भर सकता है। घर परिवार में कुछ बदलाव भी आप कर सकते हैं। ये समय काम में अपनी बात पूरी न होने के कारण कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में न चाहते हुए भी आप अपने अहंकार के आगे किसी की मदद लेने से बचेंगे। हालांकि ऐसा करने की बजाय आपको बेहतर परिणाम पाने के लिए बड़ों की मदद लेने की जरूरत होगी। आपको उपाय के तौर पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना चाहिए। अब बढ़ते हैं वृश्चिक राशि की ओर। वृश्चिक राशि वाले इस सप्ताह की शुरुआती समय में अधिक भावुक मूड में दिखाई दे सकते हैं। आर्थिक स्थिति भी इस समय खर्चों की अधिकता को दिखाने वाली होगी। दूसरों से खुलकर बात करने में कुछ झिझक आप महसूस कर सकते हैं। खुद को तनाव मुक्त रखना है तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप बीती बातों पर ध्यान ना दें। विदेशी कंपनी में काम कर रहे जातकों को लाभ मिलता नजर आ रहा है। सेहत को लेकर ध्यान रखना चाहिए क्योंकि अचानक से ही नींद की कमी और शरीर में दर्द की शिकायत आपको हो सकती है। इस सप्ताह आप अपने व्यापार को विस्तार देने के लिए किसी प्रकार का लोन या कर्ज लेने की योजना भी बना सकते हैं। उपाय के तौर पर आपको लाल चंदन देवी लक्ष्मी जी को अर्पित करना चाहिए। अब बढ़ते हैं धनु राशि की ओर। धनु राशि के जातक इस सप्ताह अपने काम में अच्छे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सप्ताह के आरंभ में बेहतर परिणाम आपको मिल सकते हैं। सामाजिक रूप से भी मेलजोल की स्थिति अनुकूल रहने वाली है। एक नई शुरुआत करने का ये बहुत ही अच्छा समय है। इस समय आपके बैंक या किसी अन्य संस्था से लोन मिलने की भी सफलता आपको नजर आ रही है। इस सप्ताह आपका मन अपने काम से हटकर अपनी सुख सुविधाओं को पूरा करने में ज्यादा लगेगा। ऐसे में अपना ध्यान केवल लक्ष्य पर ही लगाएं और भावनात्मक बातों से आपको बचना चाहिए, नहीं तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं। उच्च शिक्षा के लिए किसी उच्च मान्यता प्राप्त संस्थान में आप प्रवेश भी कर सकते हैं। उपाय के तौर पर आपको किसी धर्म स्थल पर सेवा कार्य करना चाहिए। अब बढ़ते हैं मकर राशि की ओर। मकर राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह का समय अनुकूल रह सकता है। धन से जुड़े लेन देन करते समय आपको शुरुआत से ही काफी सावधान रहने की जरूरत होगी। इस सप्ताह के दूसरे भाग में अच्छे लाभ की उम्मीद मिलती नजर आ रही है। ये सप्ताह कुछ नए लोगों से आपको संपर्क दिला सकता है। सप्ताह के दौरान आप अपना समय सोशल मीडिया में अधिक बिता सकते हैं। आपको इस सप्ताह कोई बड़ा निर्णय लेना है तो किसी बात को अंतिम रूप देने से पहले अपने परिवार की आपको राय जरूर लेनी चाहिए। आपको कोई शुभ समाचार मिलने के योग भी मद्देनजर आ रहे हैं, इसलिए अपने प्रयास जारी रखें और मेहनत से पीछे ना हटें। सप्ताह के अंतिम पड़ाव में तनाव का सीधा असर सेहत को खराब कर सकता है, इसलिए इस स्थिति को खुद पर हावी ना होने दें। उपाय के तौर पर आपको गरीबों को दही के चावल का दान करना चाहिए। अब बात करते हैं कुंभ साप्ताहिक राशिफल की। कुंभ राशि के जातक इस सप्ताह मस्ती के मूड में दिखाई देंगे। अपने काम में कभी जोश रखेंगे और उत्साह से आगे बढ़ेंगे। आपका अपना निर्णय ही कुछ परेशानियां आपके लिए खड़ा कर सकता है। ऐसे में बेहतर परिणाम पाने के लिए शांति और धैर्य के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए। भाग्य का साथ भी आपको मिल सकता है। इस समय धार्मिक गतिविधियों में शामिल आप हो सकते हैं। कुछ मांगलिक पूजा पाठ के काम में आप भक्ति भाव के साथ आगे रहेंगे। कामकाज में आपकी भूमिका काफी अच्छी रहने वाली है। इस सप्ताह आपके अंदर रचनात्मक विचारों की वृद्धि होगी, जिससे आप धन कमाने के नए अवसर तलाश पाएंगे और अच्छा मुनाफा भी आप कमा सकते हैं। हालांकि इस दौरान किसी भी दस्तावेज पर आपको साइन करने से पहले उसे एक बार ध्यान से जरूर पढ़ना चाहिए। आपको उपाय के तौर पर प्रतिदिन देवी दुर्गा के नामों का स्मरण करना चाहिए। अब बढ़ते हैं मीन राशि की ओर। मीन राशि के जातक इस सप्ताह अपने घर परिवार की स्थिति को लेकर अधिक परिश्रम करने वाले हैं। आपसी सामंजस्य बनाने के लिए घर के बड़ों का अनुभव आपको लाभ प्राप्त दिला सकता है। निजी जीवन में चल रही अशांति को शांत आप कर पाएंगे। इस सप्ताह यात्रा के भी योग बनते नजर आ रहे हैं। सप्ताह के शुरुआत के समय तनाव के चलते सेहत आपकी खराब हो सकती है। इस समय जो छात्र कुछ नया सीख रहे हैं उनकी बौद्धिक क्षमता में सुधार हो सकता है।
ये सप्ताह आप आध्यात्मिक गतिविधियों में गुजार सकते हैं। धन अर्जन के मामले में स्थिति अनुकूल होगी, लेकिन इस समय आपके खर्च दूसरों के कारण बढ़ सकते हैं। अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए सहकर्मियों से उचित सहयोग आपको मिल सकता है। उपाय के तौर पर आपको तुलसी पूजा नियमित रूप से करनी चाहिए। तो इस प्रकार से साप्ताहिक राशिफल के अनुसार सभी राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह इस प्रकार से बीतने वाला है। यदि आपके मन में वीडियो से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। धन्यवाद।